हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप Redmi Note 5 में Android P कैसे इंस्टॉल करेंगे। फ्रेंड्स, Android P का GSI इमेज कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और रिकवरी मोड में चले जाइएगा। पावर बटन और वॉल्यूम ऑफ बटन को प्रेस करके रिकवरी मोड में चले जाइएगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा फ़ोन है जो रिकवरी मोड में बूट होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फ़ोन है जो रिकवरी मोड में बूट यहाँ पर हो चुका है। तो उसके लिए आपको ट्रिवर रिकवरी है जो फ्रेंड्स इंस्टॉल करना होगा। फिर आपको सबसे पहले सारे डेटा को बैकअप कर लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको फॉर्मेट मारना होगा। अगर आपने फॉर्मेट नहीं मारा तो यहाँ से फॉर्मेट मार लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपने मार लिया है तो वाइप करना है फ्रेंड्स। एडवांस वाइप में जाकर डेल्विक कैच सिस्टम डेटा वेंडर और कैच को आपको वाइप कर लेना है। अगर आपने फॉर्मेट नहीं किया है तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट कर लेना होगा फ्रेंड्स। इसमें आपका इंटरनल स्टोरेज है भी, वो भी डिलीट हो जाएगा, तो आपको इंटरनल को बैकअप कर लेना होगा पहले। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा फॉर्मेटिंग है जो प्रोसेस में है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो नो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ एरर आ चुका है फ्रेंड्स, तो हम कोई घबराने की बात नहीं है फ्रेंड्स, एक बार फिर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे एडवांस वाइप में जाएंगे फ्रेंड्स, फिर डेल्विक कैच सिस्टम डेटा कैच वेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से वाइप कर देंगे इसको। यहाँ से वाइप कर देंगे फ्रेंड्स, फिर से यह फ्रेंड्स एरर आ रहा है, तो आपको सिंपली रिकवरी को रिबूट एक बार कर देना है। यह एरर है जो नहीं आएगा फ्रेंड्स, आपको एक बार रिबूट कर लेना है रिकवरी को। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा रिकवरी रिबूट हो चुका है। फिर आपको वाइप में, फिर एडवांस वाइप में जाकर सारे को पर देख सकते हैं, सारे को टिक करके वाइप कर देना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, वाइप है जो होने लगा, कोई एरर नहीं आ रहा है इसमें। अब फिर आपको फॉर्मेट डेटा कर देना है फ्रेंड्स, यहाँ पर उसका इंटरनल भी है जो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आपको बैकअप ले लेना होगा फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, देख सकते हैं फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको इंस्टॉल में जाना है फ्रेंड्स, और एक OS है फ्रेंड्स, कार्नियर OS, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना होगा, क्योंकि एंड्रॉयड पी है जो केवल ट्रिवल रोम में सपोर्ट करता है, इसलिए आपको नोट 5 में कस्टम ट्रिवल रोम में इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि नोट 5 है जो ट्रिवल सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हमको एक कस्टम रोम इंस्टॉल करना होगा जो ट्रिवल सपोर्ट करे। देख सकते हैं हमारा रोम है जो इंस्टॉल हो चुका है फ्रेंड्स। और फिर आपको एक मैं आपको लिंक दे दूंगा फ्रेंड्स सारे फाइल का, यहाँ पर देख सकते हैं सारे फाइल का। यहाँ पर फर्स्ट वाला फाइल है, इसको स्टार्ट करेंगे तो यह ऊपर वाला फाइल आपको मिलेगा, और इसमें आप पे इंस्टॉल IMG करेंगे तो यह फाइल दिखाई देगा। इसको सिस्टम इमेज पर टिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है फ्रेंड्स। तो इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। बस हमारा इंस्टॉलेशन है जो कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अब बाकी के जो फाइल है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर GSI 1, 2, 3 है, ये तीनों को आपको इंस्टॉल कर लेना है बारी बारी से फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम माउंट करना था इसलिए फेल हो चुका है फ्रेंड्स। तो फिर से एक बार रिकवरी को रिबूट करना होगा, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, बार बार रिकवरी को रिबूट करना पड़ रहा है, इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है इंस्टॉल करने में। तो रिबूट हो चुका है फ्रेंड्स, फिर आपको माउंट में जाना है, इंस्टॉल में जाना है, फ्रेंड्स यहाँ पर माउंट में चले जाना है, फिर यहाँ पर सिस्टम पर और वेंडर को माउंट कर लेना है। माउंट करने के बाद आपको इंस्टॉल में फिर जाना है, और बाकी से के जो फाइल थे फ्रेंड्स, इन तीनों फाइलों को बारी बारी से इंस्टॉल कर लेना है फ्रेंड्स। यह छोटा छोटा फाइल है, यह तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पर वेट नहीं करना पड़ रहा है फ्रेंड्स, तुरंत तुरंत है जो सारा फाइल इंस्टॉल हो जा रहा है। अब लास्ट थर्ड फाइल है, इसको आपको इंस्टॉल करना है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड्स। यह कर्नल है फ्रेंड्स, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना होगा।
देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब इंस्टॉल हो चुका है। फिर आपको रिबूट सिस्टम कर देना है फ्रेंड्स, और अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा फ़ोन है जो रिबूट होता है कि नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा फ़ोन है जो बूट अप हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, एंड्रॉयड पी में हमारा फ़ोन बूट अप हो चुका है। सारे सेटअप है जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा फ़ोन एंड्रॉयड पी में बूट अप हो चुका है। और फ्रेंड्स देखने में यह कितना स्मूथ है फ्रेंड्स, देख सकते हैं यह बहुत स्मूथली वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स आपको इसमें वीओएलटी नहीं मिलेगा, लेकिन और सब देख सकते हैं स्मूथली वर्क कर रहा है, कोई लैग नहीं है फ्रेंड्स। सेटिंग में आप जाकर देख सकते हैं कि एंड्रॉयड पी है या नहीं। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर सिस्टम में देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ एंड्रॉयड 9 है एंड्रॉयड वर्सन फ्रेंड्स। एंड्रॉयड पी पर देख सकते हैं एंड्रॉयड पी है जो रेडमी नोट 5 में इंस्टॉल हो चुका है फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।